किसान देख मतलब किसान के लिए मूवी है, किसान के लिए। यस, वी नीड टू वॉच। और कुछ मैसेज था मूवी? हाँ, किसान के लिए, क्योंकि आप किसान की जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। जैसे उन लोग मतलब दे यूज टू किल देमसेल्फ्स, डू कमिट सुसाइड देमसेल्फ्स, तो इसलिए है ना उनके लिए इन लोग मूवी निकाला है, क्योंकि किसान की कैसे हालत खराब हो गई ना अभी। हाँ। उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब उनको कैसे अभी उनका लाइफ कैसा है, सब कुछ इस मूवी पे दिखाया है। डायरेक्शन कैसा था मूवी? डायरेक्शन सुपर्ब है, एक्शन सुपर्ब है, म्यूजिक सुपर्ब है। भारत आने ने सही है, दोनों सिमिलैरिटीज है। हाँ सही है, इट्स गुड मूवी। अच्छा, फार्मर रिलेशनशिप कितने स्टार देंगे सर आप? आउट ऑफ 5, 3.75। 3.5 क्या? 3.5। ओके, थैंक यू। हमारे पास ऑडियंस हिंदी है, लेकिन हमारे जो चैनल सुपर स्टार के फैन हमारे पास, और हमारे पास है ना महेश बाबू के फैन बहुत है। खुल के बताइए, तो कैसी लगी आपको सर मूवी? सुपर है। इसमें महेश बाबू ने जो एक्टिंग किया, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक किसी मूवी में एक्टिंग ऐसा नहीं किया। इतना बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया इसने, मतलब। और डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, और जो बिजनेस मैन के बाद जो है महेश बाबू का सबसे बेहतरीन मूवी है ये अभी, मतलब बहुत। भारत एनी नैनो वो भी सही था, मगर ये ऑसम है, भी बेटर है। बहुत बेटर है, एक्सेलेंट। एक्शन वगैरह कैसा है? 5 out of 5। एक्शन कैसा है? एक्शन तो सुपर रहता है महेश बाबू का, आपको तो पता ही है। कॉमेडी अच्छा है, मगर सेकंड पार्ट में थोड़ा वो भी सीरियस हो गए। कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कौन सा पार्ट बेटर लगा आपको? इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल के पहले अच्छा लगा या बाद में? सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा इमोशनली था ना, इमोशनल था। सर कॉमेडी फर्स्ट पार्ट अच्छा लग रहा था, जो इवनिंग जो सेकंड पार्ट था वो तो अच्छा लग रहा, क्योंकि एक्शन में क्या स्टोरी है रियलिटी उसमें शो किया है। म्यूजिक वगैरह कैसा है? म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह बहुत अच्छा है, एंड एक्शन फाइटिंग वी आर रियली एंजॉय इट। पूजा हेगड़े का काम कैसा लगा, जो एक्ट्रेस है पूजा? हाँ, बहुत अच्छी, ठीक है। अभी न्यू कमर्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो अच्छा एक्टिंग, अच्छा काम किया है, फ्यूचर में अच्छे काम कर सकती है अगर उसको चांस मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है उसका। क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी ऑडियंस के लिए? और हिंदी ऑडियंस के लिए यही बोलूंगा, अगर हिंदी में अगर मूवी अगर आता है तो आप उस लैंग्वेज में तो देख, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी देखना चाहे है ना? हाँ, तो हाँ है बिल्कुल, वो देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। और वैसे भी महेश बाबू का फैन फॉलोइंग हिंदी में भी बहुत है, बहुत ज्यादा सर। सोचिए आप कि हम 50 किलोमीटर दूर से सिर्फ रिव्यू लेने आए हैं जी, 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि महेश बाबू के फैंस बहुत है नॉर्थ हिंदी। हाँ हाँ, मूवीज लगती नहीं है उनकी डब होने के बाद, लेकिन यहाँ लगनी चाहिए मेरे। बिल्कुल सर, कितने स्टार देंगे आप इसकी? मैं तो आउट ऑफ 4.5। आप 4.5? थैंक यू, वेलकम। ओके भाई, कैसे लगे आपको? बाने होंगे।